इतिहास रच दिया गया है और अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अफगानिस्तान की इस जीत के साथ आईसीसी के लगभग हर टूर्नामेंट में अपना दबदबा कायम रखने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का दबदबा इस टी20 विश्व कप से खत्म हो गया है। जी हां, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इस टी20 विश्व कप से बाहर हो गई है। अफगानिस्तान टीम का सेमीफाइनल तक का सफर इतना भी आसान नहीं था और उनकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों को हराकर यहां तक का सफर तय किया है। पिछले साल वनडे विश्व कप में अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकता था, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम से हारकर वो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सके थे। मैक्सवेल और कमिंस ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। इस साल अफगानिस्तान ने पहले उस हार का बदला लिया और फिर बांग्लादेश को हराकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को ऐसा झटका दिया कि वो कभी भी नहीं भूल सकेंगे। वाकई में ये टी20 विश्व कप ऐतिहासिक रहा है और सबसे ज्यादा रोमांचक रहा है। इस टी20 विश्व कप में उलटफेर ऐसे हुए हैं जो किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को इस टी20 विश्व कप से बाहर करने का उलटफेर अफगानिस्तान ने ही किया है। डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार 19 ओवर में 114 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने लिट्टन दास के शानदार अर्धशतकीय पारी के बदौलत अफगानिस्तान को हराने के बेहद करीब पहुंच गया था, लेकिन अंत में अफगानिस्तान की जीत हुई। आखिर में जब बांग्लादेश को जीत के लिए 9 गेंद पर 9 रन चाहिए थे तो बारिश की बूंदें मैदान पर गिरने लगी और बांग्लादेश डकवर्थ लुईस नियम के तहत मैच में आगे चल रहा था, लेकिन नवीन उल हक ने तस्कीन अहमद को क्लीन बोल्ड करके अपनी टीम को मैच में आगे कर दिया। खैर, बारिश के कारण खेल केवल 2-4 मिनट ही रुका और अफगानिस्तान ने आखिरकार 8 रनों से मैच को जीत लिया। अफगानिस्तान के इस जीत को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं।